नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराजगंज जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी ब्रह्मलीन गौरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ की पुण्य स्मृति कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे। दोनों महाविद्यालय चौक बाजार महाराजगंज में ब्रह्मलीन महंत की दिव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं इससे पहले सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, आज सीएम योगी का दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं? मैं आपको बताऊं, राजनाथ आज सबसे पहले गोरखपुर में रहेंगे, जहां गोरखनाथ मंदिर में महंत ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी की पुण्यतिथि है, उसको लेकर वो वहां श्रद्धांजलि 10:30 बजे श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। वहां से अपने गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद जो मंदिर की तरफ से कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। और साथ ही साथ आज वो महाराजगंज जाएंगे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं, जहां गुरु महंत कहा जाए कि अवैधनाथ जी की मूर्ति का जो है महाविद्यालय में अनावरण होना है, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो अवैधनाथ महाविद्यालय महाराजगंज चौक में वहां 2:45 पर मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है, जहां वो रक्षा मंत्री के साथ मूर्ति का अनावरण करेंगे। और इसके साथ ही पास में चौक बाजार के पास सोनाली देवी मंदिर है, जहां पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे माता रानी के। और इसके बाद तमाम और कार्यक्रम है गुरु महंत अवैधनाथ जी की श्रद्धांजलि सभा को लेकर, उसमें वो शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने जो कहा जाए कि आध्यात्मिक, धार्मिक और राजनीतिक गुरु अवैधनाथ जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं और तमाम जो श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। जी प्रशांत, अगर देखा जाए, क्योंकि आने वाले समय में 2022 में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में ये दौरा वहाँ की जनता के लिए, उस क्षेत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा, आपको बता दें कि जो ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी हैं, वो 5 बार विधायक और 4 बार सांसद रहे हैं उस क्षेत्र से, तो उनका क्षेत्र में काफी अच्छी पकड़ है। और उसी के फलस्वरूप कहा जाए कि जो योगी आदित्यनाथ हैं सांसद रहे और उसके बाद अब मुख्यमंत्री हैं, विधान परिषद सदस्य है, तो जरूर दौरा, क्योंकि पश्चिम का क्षेत्र, पूर्वांचल का क्षेत्र है, तो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि जिस तरीके से उनके महंत और कहा जाए कि योगी गुरु अवैधनाथ ने जिस तरीके से अपना जो पूरा कहा जाए कि पश्चिम के क्षेत्र में, पूर्वांचल के क्षेत्र में अपनी जो पहचान बनाई है, उसके तहत लोगों में खासा प्रभाव है। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके के जो कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा परिणाम दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। और एक बार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि वहां से मजबूत होकर सामने निकलेगी। तो ये कार्यक्रम जो कहा जाए कि वह क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर और जो मान्यताएं उनके आधार पर किए जा रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और आज रक्षा मंत्री का आना, तो ये भी इस तरीके से कहा जाए कि कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री जिस तरीके से महंत ब्रह्मलीन अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करेंगे, क्योंकि अभी आप 2 दिन पहले देखा कि महंत दिग्विजयनाथ जी का जो कार्यक्रम हुआ, मूर्ति का अनावरण हुआ, तो गोरखनाथ पीठ से जुड़े हुए जो महंत और संत हैं, उनकी यादगार और पुण्यतिथि को बनाए रखने के लिए ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था गोरखनाथ पीठ से जुड़ी हुई है और वहाँ के मंत्र महंत और गुरुओं से जुड़ी हुई है, तो ये महत्वपूर्ण कदम है। प्रशांत, आप बने रहिए, इस वक्त हमारे साथ महाराजगंज से वैद्यनाथ पासवान फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। वैद्यनाथ, कितना अहम माना जा रहा है सीएम योगी का ये दौरा? जी मैम, सीएम का बार बार चौक बाजार महाराजगंज में दौरा हो रहा है, तो इससे यहाँ का विकास भी काफी प्रभावित हो रहा है, काफी विकास हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, और उनके दौरे को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और यहाँ सीएम आएंगे, महंत अवैधनाथ जी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे, अनावरण करने के बाद यहाँ से वन क्षेत्र में, चौक बाजार वन क्षेत्र में सोनाली देवी माता का मंदिर है, वहाँ जाकर दर्शन करेंगे। वहाँ पे गोरखपंथी मठाधीशों का एक मठ भी है, और माता का दर्शन करके फिर एक जनसभा का आयोजन भी करेंगे चौक में। वैद्यनाथ, अगर बात की जाए इस क्षेत्र में सौगात, तो क्या कुछ आज बड़ी सौगातें सीएम योगी देने वाले हैं? जी मैम, ऐसा तो लग रहा है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं,
जी, और उनके आने के को लेकर काफी चर्चाएं क्षेत्र में है, और कोई अनुमान है कि इस बार जो है इस क्षेत्र को जनपद महाराजगंज को भी सौगात मिलने की आशाएं हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वैद्यनाथ हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रशांत हमारे साथ लखनऊ से बने हुए थे। प्रशांत, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।